बहुत देश के फ्लैग दिखते हैं, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग दिख गया मेरे को। तो दूसरों के आउटफिट देख के आपको थोड़ा खुद को बोरिंग लग रहा है, तो इधर दुकान भी खोल दिया है, आउटफिट खरीदो और मजे लो। मेरा नाम है राजा रब्जान, आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन इंडिया, और अपने 20 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दी थी सोलो ट्रैवलिंग। मैं गया था एक साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप में, और उसके बाद मैंने शुरू कर दी 2019 में एक वर्ल्ड ट्रिप जो कि था पूरा यूरोप, और यूरोप में 3 महीने घूमने के बाद मैं निकल पड़ा साउथ अमेरिका में। फिर साउथ अमेरिका में कई सारे महीने घूमने के बाद कोविड में मैं फंस गया 2020 में, और मुझे वापस आना पड़ा इंडिया। और अभी 2021 में मैं निकल पड़ा फिर से अपने सेकेंड वर्ल्ड ट्रिप के लिए, रशिया से लेके अफ्रीका में ट्यूनीशिया, और आगे एक्सप्लोरिंग चलती रहेगी। आप लोग बने रहिए एंड लेट्स एक्सप्लोर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड विथ योर एक्सप्लोरर राजा। उधर अपने EDC की तरफ, और ये है पूरा वेगस, आप देख सकते हो। पिछले 1 घंटे से ऊपर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, पर ट्रैफिक में फंसे हैं और 2-3 रॉन्ग एग्जिट ले लिया, तो हम लोग पहुँच नहीं पा रहे अपने EDC तक, पर EDC तक पहुँच जाएंगे। अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं शाम के, आवाज़ सुनाई दे रहा है, इट्स गोना बी बिग गाइस। और EDC क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर लूँगा आपको थोड़ी देर बाद। तो उधर कार पार्क कर दिया है, और मेरे पास टिकट है, बट विक्टोरिया के पास अभी तक टिकट नहीं है, तो हम लोग को जुगाड़ लगाएंगे फिर जाएंगे। विक्टोरिया अपने हॉस्टल से ही है, साथ में हम लोग वॉलंटियर करते हैं और EDC में डांस करने वाले हैं। ये मेन वेगस जो वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ से 30 मिनट का ड्राइव है, वैसे तो अभी ट्रैफिक ज़्यादा है उसलिए 30 मिनट से, वरना नॉर्मल टाइम में 10-15 मिनट में हो जाता है, पर पैदल नहीं जा सकते। तो बेसिकली ये एक F1 रेस ट्रैक है जिसको ये लोग एक बड़ा स्टेडियम बना देते हैं, और ये हर साल होता है। तो सिर्फ टिकट नहीं चाहिए आपको, टिकट के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो आप अंदर आ सकते हैं। तो भाई EDC का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉनिक डेजी कार्निवल, और ये US का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, म्यूजिक फेस्टिवल। एक होता है बर्निंग मैन, बट उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है, वो सबसे बड़ा है, बट ये भी फिक्स्ड अच्छा फेस्टिवल है। जैसे यूरोप में टुमोरोलैंड है, उसी का US का वर्जन है EDC, और ये लास वेगस से शुरू हुआ है, लास वेगस में होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है मेरे को ऊपर, बट मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ तो मेरे को इस बारे में पता नहीं था। इसके टिकट्स आते हैं $350 करके, और ये होता है 3 दिन का फेस्टिवल, बट मैंने फ्री में ले लिया क्योंकि मैं $350 तो खर्चा नहीं करने वाला। $350 में मेरे 3 हफ्ते के घूमना निकल जाता है एक कंट्री में। तो मेरे हॉस्टल में जहाँ पे मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ वहाँ पे एक गेस्ट है जो कि फ्राइडे सैटरडे करके आज निकलने वाला, उसका फ्लाइट है, उसने अपना टिकट मेरे को दे दिया, हाथ में है, मैं दिखाता हूँ अभी देखो। ये है, ये ब्लू, ये पिंक कलर का, ये इसका बैच, और इसको टैप करके हम लोग आ गए। और हमारे साथ है विक्टोरिया, उन्होंने भी अभी ले लिया 1 दिन का $80 में। $80 में जाने वाले सुबह शाम के 7 बजे से सुबह के 4 बजे तक पार्टी चलेगी इधर, और बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा नहीं पता, बट आप लोग बने रहो, EDC है, ये बड़ा बात है। और ये पूरा एक F1 रेस स्टेडियम है, यहाँ पे F1 रेस होता है बाकी एक टाइम, और EDC होता है। तो EDC होता है समर्स में, पर इस बार कोविड की वजह से पोस्टपोन करते करते अभी विंटर्स में हो रहा है। तो हम लोग अंदर आ गए, और विक्टोरिया किसी और से ऐसा ही है, और आप लोगों को झलक दिखाता हूँ मैं। आप ये पूरा एरिया देख रहे हो, आपको क्या आइडिया है कि ये कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। यहाँ पे 7-8-9 स्टेज है, आपको पता नहीं कहाँ पे क्या रहना है, बड़े बड़े डीजेस आने वाले, डीजेस नहीं करना। और तो उधर रेस्ट करने का जगह है, इधर चिल करने का जगह है, ये पूरा F1 रेस्ट स्टेडियम है। यहाँ पे F1 की कार चलते इस रोड पे, और उधर पूरा स्टेडियम बना है। दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल।
बार्स लगे हैं, बट बार में घुसने के लिए तो लाइन लगेगी और ड्रिंक्स लेने के लिए भी फटेगी, बहुत महंगा होने वाला है। मैंने सुना है एक एक बियर $20 का आता है। बहुत बढ़िया है इनका लाइन्स में तो घुसना नहीं है मेरे को। और ड्रिंक्स वगैरह खाना बहुत महंगा है, ऑब्वियसली बात है। एक्टर बात ये है कि चलो ये सब राइड्स तो फ्री का है।
बहुत देश के फ्लैग दिखते हैं यहाँ पे, इंडिया का फ्लैग दिख गया मेरे को। मेकअप करने के लिए ब्यूटी बार, मतलब क्या कुछ नहीं है यहाँ पे यार। Thank you.
दुकान भी खोल दिया है, आउटफिट खरीदो और मजे लो एकदम। दाम नहीं पूछने वाला मैं। चलो ये सब तो आप पहले देख चुके हो, ड्रोन शो देखो आप। ये ड्रोन शो चल रहा है यहाँ पे, सारे ड्रोन से लाइट चल के। क्योंकि भाई कॉपीराइट